तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कार इन्वेस्टर की नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टाटा टियागो का ईवी वेरिएंट, और ईवी में ये टॉप एंड वेरिएंट है इसका, एक्सेड प्लस। तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में ये 250 किलोमीटर का रेंज देती है सिंगल चार्ज में। लॉन्ग रेंज वेरियंट आपके सामने है फिलहाल, और इसमें रेंज मिलती है 315 किलोमीटर पर चार्ज की। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टियागो ईवी टॉप मॉडल में आप क्या कुछ फीचर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं टाटा की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। 1677 विड्थ है इसकी, 3769 mm इसकी लेंथ मिल जाती है, 1677 mm इसमें विड्थ है, और 2400 mm का इसमें व्हील बेस मिल जाता है। 2400 का यहाँ पर व्हील बेस ऑफर किया जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो यहाँ 165 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर हमें 175/65R14 14 इंच का यहाँ पर टायर मिल जाता है। और ये स्टाइल रिम है, ये अलॉय व्हील नहीं है, यहाँ पर व्हील कैप लगी हुई देखने को मिल जाती है। फ्रंट से शुरू कर दे तो यहाँ पर आपको नए डिजाइन का लोगो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का यहाँ पर नया लोगो आ चुका है 24 में। डॉट ईवी की यहाँ पर ग्रिल पे बैजिंग मिलने वाली है। पियानो ब्लैक कलर की यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर बम्पर वाली जो ग्रिल है ना, वो ट्राई एरो में आपको ग्रिल देखने को मिलने वाली है। और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पर बम्पर पे एडिशनल आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल जाएगा। DRL यहाँ पर इस तरह से बम्पर में, यहाँ पर फॉग लैंप के पास आपको DRL मिल जाती है। यहाँ पर फॉग लैंप्स हैलोजन में ही है। ऊपर हेडलैम्प्स भी यहाँ पर हैलोजन सेटअप के साथ मिलता है, और प्रोजेक्टर हेडलाइट भी यहाँ पर हैलोजन सेटअप के साथ है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, और ऊपर हेडलाइट के ऊपर ही आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी। और ब्लैक्ड आउट इसका हेडलैम्प है, इसकी वजह से इसका जो लुक है वो बेहतरीन निकल के आ रहा है। इसका जो हेडलैम्प है ना, वो मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। अब चाबी देख लेते हैं इसकी। तो पहले की तरह इस तरह की चाबी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हेडलैम्प फॉलो में हेडलैम्प का बटन है, लॉक का बटन है, जिस तरह से इसके ओवर एम फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। एंड नीचे अनलॉक का बटन है, और एक बटन है जिससे बूट ओपन कर सकते हो आप। तो साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको डॉट ईवी की बैजिंग मिलने वाली है। चाहे आप कौन सा भी कलर लो गाड़ी का, आपको इसी कलर की आपको डॉट ईवी की बैजिंग मिलेगी। और हम पूरा ब्लैक्ड आउट है ये, यहाँ पर बॉडी कलर में नहीं मिलता। पियानो ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है टॉप मॉडल वाली। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है ओवर एम पे ही। ऊपर आप देखोगे तो ये डुअल टोन में नहीं है फिलहाल। यहाँ पर एंटीना आपको शार्पिन नहीं, नॉर्मल एंटीना, एडजस्टेबल एंटीना जरूर देखने को मिल जाता है। और डोर हैंडल्स पे आप गौर करोगे तो यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, और रिक्वेस्ट सेंसर भी है जिससे गाड़ी आप लॉक अनलॉक इजीली कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग डोर हैंडल्स पे देखने को मिलेगी। 50 लाख कार कंप्लीट हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर इसकी बैजिंग मिलेगी। पीछे की तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वाइपर है, डिफॉगर है, स्टॉप लैंप जरूर मिल जाता है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है यहाँ पर, और टियागो डॉट ईवी के यहाँ पर बैजिंग मिलेगी। बूट ओपन करते हैं इसका, तो 240 लीटर का बूट स्पेस कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा बूट स्पेस है। आप सीएनजी में इसे लोगे तो भी आपको बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि सीएनजी में इसमें ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी यूज की है। तो ये फिलहाल ईवी है हमारे पास, तो ईवी में आपको पूरा ही बूट स्पेस 240 लीटर का देखने को मिल जाता है। हालांकि नीचे यहाँ पर स्पेयर व्हील इसमें क्यों नहीं दिया जाता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके नीचे बैटरी प्लेस की हुई है। पार्सल ट्रे यहाँ पर ऑफर की जाती है। और चलिए इसे बंद करते हैं। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर दो मिलने वाले हैं आपको रियर बम्पर पे। रियर कैमरा भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, और ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो अगर आपके पास चाबी है। नया लोगो आप देख सकते हो क्लियरली कुछ इस तरह से है। टेल लाइट्स इसकी हैलोजन सेटअप के साथ है, LED सेटअप नहीं मिलता है टेल लैंप्स में, स्पॉइलर नहीं मिलता। कुछ इस तरह से दोनों साइड आपको स्कूप मिलने वाले हैं, जो एक स्पोर्टीनेस इसमें ऐड करते हैं। चलिए अब क्या करते, बोनेट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें आखिर है क्या। इंजन नहीं है इसमें, ना ये CNG गाड़ी है, तो इसमें आखिर मिलता क्या है बोनेट में। चलिए यहाँ से करेंगे ओपन इसका बोनेट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोटर मिलती है, 19 किलोमीटर की बैटरी आपको शॉर्ट रेंज वाली टियागो ईवी में मिलेगी, और ये लॉन्ग रेंज है तो इसमें आपको 24 किलोमीटर की मोटर बैटरी मिलेगी। दूसरे साइड भी इसी तरह का आपको डॉट ईवी का बैजिंग मिलेगा। और दूसरे साइड यहाँ पर को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, सिर्फ ड्राइवर साइड मिल जाता है। और चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको इसका फ्यूल कैप की जगह ही आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, ना ही आगे है और ना ही पीछे है। आपको जहाँ पर फ्यूल कैप है वहीं पर चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा इसका। अब चलिए इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। इसका डोर देखोगे आप तो ड्यूअल टोन कलर में है, ब्लैक एंड बेज कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। पावर विंडोज आपको चारों मिलेंगे, एक ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ ड्राइवर साइड वाली मिलती है। एंड ये डोर ओपनर इसका क्रोम फिनिशिंग के साथ है, इस तरह से सेंट्रल लॉकिंग भी यहाँ पर दी गई है।
इसके ओवर एम इलेक्ट्रिकली फोल्ड एंड एडजस्ट दोनों ही यहाँ से कर पाओगे आप। नीचे स्पीकर है, ट्वीटर्स आपको यहाँ पर ए पिलर पे देखने को मिलेंगे। नीचे बॉटल होल्डर है, आधे लीटर की बॉटल आ जाएगी, इतना स्पेस है, एक लीटर की नहीं आएगी यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, अंदर बैठते हैं। उससे पहले इसकी सीट देख लो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट देखने को मिल जाती है। आप मैनुअली इसकी हाइट इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और ये व्हाइट कलर का इंटीरियर है, इसकी एक डाउन साइड क्या हो सकती है, तो ये जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो ये देखिए आप कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, जल्दी गंदा हो जाता है और दिखता भी है। आप देखिए, अब ये लेदर है पूरा, और ये यहाँ पर जब तक आप इसे गीले कपड़े से या फिर पानी से नहीं वॉश करोगे तो ये नहीं निकलेगा। इस तरह से यहाँ पर ये गंदा भी जल्दी हो जाता है, मतलब इसका सीट्स का भी मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा। चलिए इसे बंद करते, सीट्स थोड़ी इसकी पीछे कर लेते, और इंटीरियर पे गौर कीजिए। नया लोगो देखिए किस तरह से है, पुराने वाला लोगो कुछ इस तरह से था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। डिजाइन वैसा ही है, मटेरियलिस्टिक चेंजेस इसमें किए हैं, डिजाइन तो वैसा ही है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से है। स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, पूरा लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है। इसे ऑन करेंगे, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दिया है, इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आयरा कनेक्टिविटी भी इसमें आ जाती है, टॉप एंड वेरियंट, तो ये आयरा कनेक्टिविटी वाला वेरियंट है। तो यहाँ पर देखिए रीजनरेशन मोड भी इसमें दिए गए है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ड्राइव रीजन का भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मोड इसमें मिल जाता है। जब भी आप इसका एक्सेलेटर छोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली रीजनरेशन करना शुरू कर देगी। बीच में आपको 3.5 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जिसमें TFT डिस्प्ले है, ये कलर डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ओडो में आपको किलोमीटर्स दिखाई दे रहे होंगे, नीचे न्यूट्रल वगैरह शो कर रहा होगा, और सर्विस कितने डेज में इसकी रिमेनिंग है वो दिखाई दे रहा होगा। 10% बैटरी इसमें बाकी है। रेंज इसमें अभी नहीं शो कर रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम बैटरी इसमें बची हुई है। वार्निंग लाइट्स वगैरह भी आपको इसमें दिखाई देंगी। रीजनरेशन मोड यहाँ पर देखिए ऊपर 1 पे है, नीचे यहाँ पर बैटरी वगैरह, और इस तरह से इसकी जो ई है, मतलब बैटरी लेवल है, वो ई पे है फिलहाल, इसे चार्ज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलती है। टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम देखते हैं इसमें है कि नहीं। हाँ, TPMS भी इसमें मिल जाता है। एंड चलिए देखते हैं स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल्स, तो ये एडजस्टमेंट देखते हैं। फिलहाल टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइपर्स इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी इसमें मिल जाते हैं आपको। मतलब 11,90,000 रुपये की एक शोरूम वाली गाड़ी, टाटा टियागो EV, टॉप एंड वेरियंट है ये। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन मिलेगी, हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। एक बार मैं इसे ऑन कर दूं तो ये 7 इंच के हार्मन की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें, वायरलेस के साथ तो नहीं है, वायर आपको कनेक्ट जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे USB आउटलेट है, यहाँ से वायर कनेक्ट करके आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें चला सकते हो आप। बाकी यहाँ पर जो मोड्स है ना, ये देखिए रीजनरेशन मोड्स यहाँ पर है। इस तरह से मैं अभी ये बटन प्रेस करूँगा, ये रीजनरेशन 1 पे है, 2 पे चली गई, अब ये 3 मोड्स मिलते हैं रीजनरेशन के। यहाँ पर आप देखिए ऊपर की तरफ, तो ये बटन में जैसे दबाऊंगा तो ये रीजनरेशन कितना चाहिए आपको, कितना मतलब आप अगर एक्सेलेटर छोड़ोगे तो कितने ज़्यादा देर, मतलब कितना ज़्यादा ब्रेक फोर्स लगेगा गाड़ी में, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो ये बटन के द्वारा। तो रीजनरेशन 3 पे अगर आप रखोगे इसे, तो ये पूरा रीजनरेट करके, मतलब एक्सेलेटर जैसा ही छोड़ोगे वैसे ही ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। तो ये रीजनरेशन को निकालने में ये बटन काम आते हैं। देखिए ये बटन दबाता हो तो ये रीजनरेशन वाला कम हो जाता है, और फिर से बढ़ाने के लिए ये बटन। तो यहाँ पर देखिए बॉडी कलर में आपको ये सारे AC में आपको बॉर्डर्स मिलने वाले हैं बॉडी कलर में है, और डैशबोर्ड भी इसका पूरा इंटीरियर ही इसका ड्यूअल टोन में है, ब्लैक एंड बेज कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। थोड़ा ऑफ व्हाइट कलर है, बेज कलर भी नहीं बोल सकते हम इसे। देखिए कितने ज़्यादा जल्दी गंदा हो रहा है, ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन ये कलर का मेंटेनेंस भी आपको रखना पड़ेगा अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो। ठीक है, तो सेंटर में आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। हैंड ब्रेक है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, पीछे वालों के लिए चार्जिंग के लिए यहाँ पर दिया है, और एक लीटर की बॉटल आ जाएगी, ये यहाँ पर एक स्पेस दिया है। बाकी सेंटर में यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी बॉटल रख सकते हो आप, लेकिन बॉटल यहाँ पर रख दी तो आप AC के कंट्रोल्स वगैरह एडजस्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी ये मोड्स देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट एंड रिवर्स मोड है। तो रिवर्स है,
तो एसी वेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें मिल जाता है सिंगल जोन में। और ये डिफॉगर के लिए बटन है, आगे के लिए पीछे के लिए अलग से। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एक यूएसबी आउटलेट है एंड टाइप सी आउटलेट में 45 वाट का यहाँ पर टाइप सी आउटलेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जिंग आपको करके देगा। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बटन मिल जाता है जिससे आप दोनों जगह इसके जो एयर वेंटिलेशन है वो ले सकते हो। बीच वाला जो बटन है वो इसके जो फोग लैम्प है वो ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है। और ये चार्जिंग का जो फ्यूल कैप है इसका, ये ओपन करने के लिए है। गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए ये सेंटर लॉकिंग बटन है। बूट ओपनिंग के लिए भी यहाँ पर डायरेक्टली एक बटन दिया है। और म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी फिलहाल सुन लेते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम का कैसा साउंड सेटअप है इसका वो भी जान लेते हैं। सुनिए आप इसका म्यूजिक सिस्टम। तो आपने म्यूजिक सिस्टम सुन लिया होगा इसका, बहुत ही अच्छी म्यूजिक सिस्टम क्वालिटी आती है। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, आपको टॉप एंड क्वालिटी इसमें ही मिल जाती है। टाटा टियागो ईवी में या फिर टाटा टियागो भी लोगे आप तो उसमें भी आपको यही क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो साइड के इवेंट देखिए आप, कलर बॉडी कलर में आपको इसमें बॉर्डर देखने को मिलेगी। ग्लो बॉक्स देखते हैं इसका, तो यहाँ पर एक बटन है इससे ग्लो बॉक्स इसका ओपन हो जाता है बहुत स्लोली। बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर ग्लो बॉक्स यूज किया है। पार्शियल ट्रे आपको इसमें, लैपटॉप ट्रे टैबलेट ट्रे आपको इसमें मिलने वाली है ग्लो बॉक्स में। और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है इस सेगमेंट की, किसी भी गाड़ी को उठा के देख लीजिए किसी में भी आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑफर किया जाता है टाटा टियागो में। इसे आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटो डिमिंग IRVM, आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी गाड़ी में, इतनी कम बजट वाली गाड़ी में भी ऑटो डिमिंग IRVM मिलता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाता है आपको ऑटो डिमिंग IRVM, ऑन ऑफ कर सकते हो आप डायरेक्टली। और ये ऑटोमेटिक IRVM ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन हो जाएगा अगर आप पीछे से कोई गाड़ी आपको लाइट मारती होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर है टिकट होल्डर, माइक यहाँ पर ऊपर मिल जाता है ड्राइवर साइड। दूसरी साइड आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल्स आपको तीनों तरफ देखने को मिल जाएंगे। लाइट सेंटर में एक ही लाइट मिलती है व्हाइट कलर की, बाकी आगे भी नहीं है अलग से और पीछे भी नहीं है अलग से, सेंटर में एक ही लाइट है दोनों के लिए। और हेडरेस्ट आगे के दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पर, और ये लेदर सीट्स है। चलिए इसके पीछे की तरफ चलते हैं और आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले इसका जो स्टार्ट स्टॉप बटन है इसे ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है। इसे ऑफ कर दिया हमने, अब चलिए पीछे चलते हैं। नीचे पेडल्स देखिए यहाँ पर, ब्रेक पेडल एंड यहाँ पर एक्सलेटर मिल जाता है। गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर गियर वगैरह नहीं मिलते आपको, यहाँ पर इंजन नहीं है गाड़ी में तो यहाँ पर कोई गियर्स भी नहीं है। चलिए पीछे देखते हैं कितना जगह हमें पीछे मिलती है। सीट, ये ड्राइवर साइड सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया। चलिए पीछे जाकर देखते हैं कितना स्पेस हमें पीछे देखने को मिल जाता है। तो पीछे का डोर आप देख सकते हो, यहाँ पर बॉटल आ जाएगी 1 लीटर की, स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर है, क्रोम डोर ओपनर है, यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है और ये भी ड्यूअल टोन कलर में है, ट्विटर भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। चलिए अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पर सीट के नीचे भी मैं पैर रख पा रहा हूँ, इतनी जगह है। एंड जो लेग रूम है वो भी मुझे मोर देन सफिशियंट, इतना यहाँ पर लेग रूम मुझे मिल रहा है। ये स्कूप की वजह से मुझे एक्स्ट्रा लेग रूम यहाँ पर जरूर ऐड हो रहा है। और हेड रूम भी आप चेकआउट कर सकते हो उसी की तरह, हेड रूम भी अच्छा खासा मुझे इसमें मिल जाता है। लेकिन एक जो बात है वो इसके पीछे वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं और दो ही है। और इनकी हाइट भी देखिए कितनी ज़्यादा कम है, थोड़े ऊपर तक यहाँ पर, यहाँ तक इसके हेडरेस्ट पीछे वाले हो सकते थे, फिक्स भी हो तो भी चलता फिर, लेकिन ये तो कोई काम के ऐसे लगते नहीं है मुझे फिलहाल तो। बाकी पीछे भी अच्छी खासी जगह आपको मिलने वाली है दो लोगों के लिए, यहाँ पर अच्छी खासी सफिशियंट जगह है। पीछे वालों के लिए यहाँ पर कोई एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। 12 लाख की ये गाड़ी लगभग आपको ऑन रोड पड़ेगी, तो उसके बावजूद आपको यहाँ पर पीछे कोई एसी वेंट्स नहीं है, ना ही हेडरेस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल है। और ठीक है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़रूर मिल रही है एक 12 लाख में, जो कि 315 किलोमीटर चलेगी एक सिंगल चार्ज में, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो ये था कुछ वीडियो टाटा टियागो ईवी एक्सजेड प्लस लॉन्ग रेंज का। तो गाड़ी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें इसके जो चार्जिंग टाइम है वो एसी चार्जर के साथ अगर आप इसे चार्ज करोगे तो ये 4 घंटे लेगी चार्ज होने में, और अगर आप डीसी चार्जर से इसे चार्ज करोगे तो 1 घंटे में 10% से 80% चार्ज हो जाएगी।
तो यही फायदा है। अगर इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्स्ट्रा 50,000 अगर आप पे करोगे तो ये फास्ट चार्जर भी टाटा आपको प्रोवाइड कर दिए इसके साथ। ठीक है, तो गाड़ी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।